तो सबसे पहले आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी या अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय लिखिए, तो सबसे फर्स्ट टाइम ही आपको यहाँ पर उसका लिंक पेज या ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर शो होगा, जिसमें यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ पर एंडर एप्लीकेशन पूरा यहाँ पर कोर्स का टाइटल दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड कीजिए। अब पूरा जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट पर कीजिए, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर समर PDF यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप पूरा कोर्स का डिटेल यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, कोर्स क्या है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट एकेडमी कहाँ से है, कितना ड्यूरेशन है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन कब तक है, यहाँ पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोर्स का फीस का डिटेल्स आप और फीस देख सकते हैं। और वहाँ पर आप एक लिंक दिया है वेबसाइट को, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हम आपको अलग से एक और वीडियो बनाकर बताएंगे, जिसमें ऑनलाइन हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें पूरे प्रोसेस बताएंगे। देखिए यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर ज्वाइंट विंटर FDPS चुनते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कोर्स का नाम, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एकेडमी, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है संपर्क कर लेके। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसका लास्ट डेट देख लीजिएगा, तभी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं डेटा साइंस करना चाहता हूँ तो मैं डेटा साइंस को देखता हूँ कब तक लास्ट डेट है, देख लीजिए, यहाँ पर खोज लीजिए, फिर अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डेटा साइंस 12-23 अप्रैल 2021 तक का लास्ट डेट है, 23 अप्रैल तक। यहाँ पर कोर्स का पोस्टर और एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वहाँ पर क्लिक कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आप यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए डाटा साइंस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। 4 स्टेप है, 4 पेजेस को आपको भरना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। तो आप सभी को मैं एक और वीडियो बनाकर बता दूंगा किस प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।